पार्ट सेकंड के पेपर सेकंड में हम पढ़ रहे थे यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। हमने पढ़ लिया था कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है और इसमें कितने प्रकार के ट्रांजिशंस पाए जाते हैं, कितने प्रकार के शिफ्ट पाए जाते हैं और किस तरह ये कार्य करता है। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की क्या एप्लीकेशंस हैं, क्या उसकी उपयोगिता है। मैं डॉक्टर व्यूमा, एसोसिएट प्रोफेसर, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज के लेक्चर में हम देखते हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी किस तरह से हमारे लिए उपयोगी है। तो उसकी कुछ एप्लीकेशंस इस प्रकार हैं। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी मेनली हम अननोन कंपाउंड के डिटेक्शन में काम में लेते हैं, या फिर किसी कंपाउंड में उपस्थित कॉन्जुगेशन के बारे में पता करते हैं, या पॉलीन्यूक्लियर स्ट्रक्चर्स के बारे में भी हमको बारे में पता लगता है। इसके अलावा हम सॉल्वेंट की पोलर या नॉन पोलर नेचर को पता लगाने के लिए भी हम स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रयोग करते हैं। तो हम देखते हैं कि एक्सटेंट ऑफ कॉन्जुगेशन हम किस तरह से यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी से पता लगा सकते हैं। जैसे कि हमने इस चैप्टर में पढ़ा था कि कॉन्जुगेशन होने के कारण, कॉन्जुगेशन क्या होता है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, अगर इस तरह की सीरीज होती है तो उसको हम कॉन्जुगेशन कहते हैं। अगर कॉन्जुगेशन की संख्या बढ़ जाती है तो यहाँ पर पाई टू पाई स्टार के बीच का जो गैप है वो कम हो जाता है, इलेक्ट्रॉन पाई टू पाई स्टार के अंदर आसानी से शिफ्ट हो जाता है और उसको कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, कम एनर्जी की आवश्यकता होती है, और कम एनर्जी के कारण वो अधिक वेवलेंथ की ओर एब्जॉर्प्शन करता है, या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि उसमें रेड शिफ्ट या बैथोक्रोमिक शिफ्ट हो जाता है। और हमें यह पता चल जाता है कि पदार्थ के अंदर कॉन्जुगेशन उपस्थित है तो हम किसी भी पॉलीइन स्ट्रक्चर के अंदर उपस्थित कॉन्जुगेशन की मात्रा को यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की सहायता से पता कर सकते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पर लेमडा मैक्स का जो पीक है वो अगर रेड शिफ्ट या डेथोक्रोमिक शिफ्ट शो करता है, दैट मीन्स उसके अंदर डबल बॉन्ड या कॉन्जुगेशन की संख्या बढ़ गई है। इसी तरह से अगर हम कॉन्जुगेशन को हटा देते हैं तो लेमडा मैक्स का मान ब्लू शिफ्ट या लोअर वेवलेंथ की ओर शिफ्ट हो जाता है और हमें यह पता लग जाता है कि कंपाउंड के अंदर उपस्थित डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की या अनसेचुरेशन की संख्या कम हो गई है। इस तरह से हम एक्सटेंट ऑफ कॉन्जुगेशन का पता लगा सकते हैं। अगर हम यहाँ पर दो स्ट्रक्चर्स देखते हैं, पहले स्ट्रक्चर के अंदर C डबल बॉन्ड O के कॉन्जुगेशन में एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और दूसरे स्ट्रक्चर में C डबल बॉन्ड O या कार्बोनाइल ग्रुप के कॉन्जुगेशन में एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पर कोई कॉन्जुगेशन नहीं है। तो पहले स्ट्रक्चर के अंदर कॉन्जुगेशन होने के कारण, या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि रेजोनेंस होने के कारण, यहाँ पर जो पीक हमको दिखाई दे रही है वो बैथोक्रोमिक शिफ्ट या रेड शिफ्ट शो करेगी, जबकि सेकेंड स्ट्रक्चर के अंदर कोई कॉन्जुगेशन नहीं है इसलिए इसके अंदर पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन में अधिक एनर्जी की आवश्यकता होगी और वो लोअर वेवलेंथ की ओर एब्जॉर्प्शन करेगा। तो इस तरह से हम दोनों स्ट्रक्चर्स के अंदर अंतर पता लगा सकते हैं कि कौन से कंपाउंड में कॉन्जुगेशन है और कौन से कंपाउंड में कॉन्जुगेशन नहीं है, और ये पता हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की सहायता से पता लगा सकते हैं। तो हमको पता है कि पहले वाले के अंदर फॉरबिडन एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन जो है वो नहीं हो पाएगा, फॉरबिडन है कार्बोनाइल ग्रुप में और वो लॉन्गर वेवलेंथ की ओर शो करेगा लेमडा मैक्स का मान, जबकि सेकेंड वाले कंपाउंड के अंदर लोअर वेवलेंथ की ओर शो करेगा। इसी तरह से अगर हम एल्काइल सब्स्टिट्यूशन लगा देते हैं किसी भी एल्कीन के अंदर तो हमेशा बैथोक्रोमिक शिफ्ट वहां पर पाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एल्काइल सब्स्टिट्यूशन के कारण यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन संरचना बनेगी और हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण भी यहाँ पर बैथोक्रोमिक शिफ्ट पाया जाएगा। सेकेंड है पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन का एग्जामिनेशन। बेंजीन पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन, दूसरे जैसे कि नेप्थिलीन है, एंथ्रेसीन है, इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उसका कैरेक्टरिस्टिक यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा मिलता है। जैसे कि बेंजीन है वो 253 नैनोमीटर पर लेमडा मैक्स का मान शो करता है। इसी तरह अगर हम डबल बॉन्ड की संख्या बढ़ा देते हैं तो लेमडा मैक्स का मान बढ़ता जाता है। और हम किसी भी यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा को देखकर ये पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर बेंजीन या उसके होमोलोगस स्ट्रक्चर्स उपस्थित हैं या नहीं है। और इन स्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत भी परिवर्तन करते हैं हम, कोई
ऐसा सब्स्टिट्यूट लगा देते हैं रिंग पर जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है या एल्काइल सब्स्टिट्यूशन है, तो इसके लैम्डा मैक्स के मान में परिवर्तन होता है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर हम यहाँ लगा देते हैं जो कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट हो तो बैथोक्रोमिक शिफ्ट होता है, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देते हैं तो वहां पर हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट होता है। तो इस तरह से पदार्थ के पॉलीन्यूक्लियर स्ट्रक्चर के अंदर भी हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की सहायता से उसके स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते। आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन कंपाउंड, किसी भी अननोन कंपाउंड को भी अगर हम उसका स्पेक्ट्रा कंपेयर करके देख लेते हैं किसी नोन स्ट्रक्चर से, तो हम ये पता लगा सकते हैं कि ये कंपाउंड जो नोन कंपाउंड है उसके स्ट्रक्चर से कितना मिलता जुलता है। अगर दो स्पेक्ट्रा बिल्कुल एक जैसे होते हैं तो हम ये पता लगा सकते हैं कि दोनों कंपाउंड का स्ट्रक्चर एक जैसा होना चाहिए, दोनों में एक जैसे फंक्शनल ग्रुप होने चाहिए, या फिर दोनों के अंदर एक तरह से डबल बॉन्ड के स्ट्रक्चर हो सकते हैं। इफ द टू स्पेक्ट्रा डू नॉट कॉइंसाइड देन द एक्सपेक्टेड डिफरेंट स्ट्रक्चर फ्रॉम अ नोन कंपाउंड। तो इस तरह से हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की सहायता से कंपाउंड्स में उपस्थित डबल बॉन्ड की संख्या, पॉलीन्यूक्लियर कंपाउंड्स की संख्या या डबल बॉन्ड कितना कॉन्जुगेशन है वो पता लगा सकते हैं, सॉल्वेंट किस तरह का है, सॉल्वेंट का नेचर क्या है ये पता लगा सकते हैं। तो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी बेसिकली मेनली हमको कॉन्जुगेशन के बारे में जानकारी देता है और ये बहुत अधिक उपयोगी है एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए या पॉलीन्यूक्लियर कंपाउंड्स के लिए, क्योंकि वहां पर वो कैरेक्टरिस्टिक पीक देता है जिससे हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर बेंजीन या उसके सजातीय कंपाउंड्स उपस्थित हैं।